अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। चमन में बैठकर पूरे मुल्क में स्मगलिंग का नेटवर्क ऑपरेट करने वाले सादिक खान अचकजई का नाम मुल्की सतह पर इस वक्त जुबाने जदे आम हुआ जब सरयाब रोड पर दिन दिहाड़े कत्ल होने वाले डीसी कस्टम अब्दुल कुद्दूस शेख के कत्ल की एफआईआर में सादिक अचकजई को नामजद किया गया। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के अफसरों ने अपने साथी अफसर के कत्ल का बदला लेने के लिए सादिक अचकजई का धंधा खत्म करने का अहद कर लिया। तय ये पाया कि सादिक अचकजई को मुल्क भर में कोई भी लाइन नहीं देगा। कस्टम्स की जुबान में लाइन देने का मतलब कस्टम अफसरों और दफातर के खर्चे चलाने के लिए स्मगलर को छूट देकर इससे महाना खर्चा वसूल कर लेना। कस्टम अफसरों का ये ज्यादा देर ना चल सका और माल की चमक के हाथों कस्टम्स के हलकों में मौजूद काली भेड़ों ने दोबारा सादिक अचकजई को लाइन देने का सिलसिला शुरू कर दिया। सादिक अचकजई देखते ही देखते इतना मजबूत हो गया कि कस्टम्स एंटी स्मगलिंग के लिए खौफ की अलामत बन गया। सादिक अचकजई ने कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के तूलो अर्ज में खुफिया गोदाम बना लिए जहाँ बॉर्डर पार से स्मगल करके लाया जाने वाला सामान मुंतकिल किया जाता। सादिक अचकजई मुल्क भर में स्मगलिंग का सामान पहुंचाने की गारंटी देता और स्मगलिंग की दुनिया में सादिक खान का नाम इंतहाई मोतबर हो गया। कस्टम अहलकार सादिक के गोदामों का रुख करने को मौत को दावत देने के मुतरादिफ समझने लगे। एक साल कब बासित मकसूद अब्बासी नामी अफसर को कलेक्टर कस्टम्स लाहौर, असद रजा रिजवी को डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस जबकि हसन फरीद सुखेरा को एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस तैनात किया गया। तीनों अफसरों ने पे दर पे जारहाना कार्रवाइयां करके सादिक अचकजई समेत तमाम बड़े स्मगलों की नींदें हराम कर दी। लाहौर मिस्री शाह में सादिक अचकजई के मुसल्लह साथियों और कस्टम अफसरान का कई मर्तबा आमना सामना हुआ। झड़पों के दौरान कस्टम एंटी स्मगलिंग और कस्टम्स इंटेलिजेंस के कई अहलकार जख्मी भी हुए। कलेक्टर कस्टम्स बासित मकसूद अब्बासी, डायरेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस असद रजा रिजवी और एडिशनल डायरेक्टर हसन फरीद ने सादिक अचकजई के खिलाफ मोटरवे, जीटी रोड और मिस्री शाह के गोदामों में कार्रवाई करके अरबों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान जब्त किया। भरपूर क्रैकडाउन के बावजूद हैरान कुन अमर ये था कि सादिक अचकजई समेत दीगर स्मगलर्स का माल चमन से कस्टम की दर्जनों चेक पोस्टों से गुजरकर लाहौर और दूसरे शहरों तक कैसे पहुंच जाता है। कस्टम्स और स्मगलर्स के दरमियान चूहे और बिल्ली का खेल रोकने के लिए तवील अरसे के बाद मौसर कार्रवाई के तौर पर लाहौर के कस्टम्स दफातर की हदूद में न सिर्फ इजाफा किया गया बल्कि मेंबर कस्टम्स ने तमाम कलेक्टोरेट्स को एक खत भी लिख दिया। मेंबर कस्टम्स ने लिखा कि जिस भी कलेक्टोरेट से गुजरकर स्मगलिंग का माल लाहौर या दूसरे शहरों तक पहुंचा उस कलेक्टोरेट के मुतलका अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस खत के बाद वक्ती तौर पर स्मगलिंग के धंधे में कुछ कमी आई लेकिन चंद ही हफ्तों बाद स्मगलिंग का धंधा दोबारा चल पड़ा। गुज़श्ता माह कस्टम्स की टीमों ने मिस्री शाह में करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान लेकर क्वेटा से आने वाले सादिक खान के तीन कंटेनर्स कब्जे में ले लिए। कब्जे में लेने के लिए छापा मारा तो सादिक खान के भाइयों ने कस्टम पार्टी पर हमला कर दिया। कस्टम इंटेलिजेंस के कुछ अहलकार इस हमले में शदीद जख्मी हुए और कुछ को यरमाल बना लिया गया। कस्टम इंटेलिजेंस ने सादिक अचकजई और इसके साथियों के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया। कलेक्टर कस्टम्स और डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस ने स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए पुलिस की मदद हासिल करने के लिए आईजी पंजाब से मुलाकात भी की। कस्टम्स की टीमों ने लाहौर में एक मरतबा फिर जारहाना कार्रवाइयों का आगाज किया तो सादिक अचकजई ने एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस हसन फरीद को धमकी आमेज कॉल करके खुद कुछ हमले की धमकी लगाई। सादिक खान ने कहा कि बहुत जल्द इसका भाई अतीक खान खुद कुछ हमला करवाएगा। धमकी आमेज कॉल के बाद कस्टम्स इंटेलिजेंस ने सीसीपीओ लाहौर और एसएसपी ऑपरेशंस को खत लिखकर मामले की संगीनी से आगाह तो कर दिया ताहम अभी तक कस्टम्स अफसरान को जरूरत के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर ने डीजी कस्टम इंटेलिजेंस को भी धमकी आमेज कॉल से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। यूँ तो सादिक खान के कस्टम अफसरों और बासर
सियासतदानों के साथ गहरे मरासिम हैं, लेकिन तश्वीशनाक अमर यह है कि मार्केट में मनफी रुझान पैदा करने वाले स्मगलर्स की पुश्त पनाही कौन कर रहा है। सिक्योरिटी इदारों के लिए भी चैलेंज है कि वो स्मगलर्स की पुश्त पनाही करने वाले ऐसे खुफिया किरदारों का सुराग लगाएं जिनकी आशीर्वाद से वो ना सिर्फ कस्टम अफसरान को धमकियाँ देते हैं बल्कि दिन दहाड़े कस्टम एहलकारों को यरगमाल भी बना लेते हैं। ऐसे ही मालूमाती स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल वॉइस ऑफ पब्लिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।